प्रिय बंधु, वेद विज्ञान वार्ता श्रृंखला की ये 33 देव श्रृंखला है। वास्तव में क्योंकि हमें 33 देवताओं के बारे में जो बार बार जाता है, 33 कोटि देवता, तो हमने इस सीरीज में ये कोशिश की वो 33 देवता है, 33 कोटि नहीं है, और उनका क्या रूप है, कहाँ से शुरू करते। इस श्रृंखला में अब तक वैदिक प्रमाणों की सहायता से हम जो कह रहे हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहे। हर चीज़ का वैदिक शास्त्र के प्रमाण, उसमें हमने सृष्टि के रचयिता का स्वरूप बोध किया जो कैसा है, उसके तप से प्रसिद्ध जिक्रे हुए पंच परमात्मक सृष्टि कैसी है, उसमें से उत्पन्न हुए ऋषि देव पितर मानव और उनके बोध कराने वाले चारों वेद, उनके व्याख्या पर ब्राह्मण ग्रंथ, उपासना के प्रतीक आरण्यक और ज्ञान के मूल स्रोत चतुर्दश उपनिषदों के में से त्रयोदश उपनिषदों का बोध अक्सर हमने आज प्रस्तुत है इस वैदिक महासिंधु के अंतिम छोर पर स्थित 14वीं मांडुक उपनिषद का सरस पावन स्वर। अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबद्ध मांडुक उपनिषद इसने केवल बारह खंड अथवा वाक्य, आकार की दृष्टि से ये सभी प्रमुख 14 उपनिषदों में सर्वाधिक लघु आकार की है, लेकिन वर्ण विषय की दृष्टि से ये अत्यंत महनीय है। 14 वाक्य होते भी इसकी प्रसिद्धि का प्रमाण यह है कि आचार्य गौड़पाद ने मांडुक कार्य का नाम से इन 14 मंत्रों को लेकर नाम से इस पर 4 खंडों में अपनी कारिका लिखी, जिन्हें मायावादी अद्वैत वेदांत की सारी प्रतिष्ठा पूर्ण प्रतिष्ठा माना जाता है। इसे सभी उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए मुक्ति को उपनिषद भी नाम दिया है। अगर आप इसको अध्ययन कर लिया तो मुक्ति की ओर ले जाने वाली केवल कई विद्वानों का तो कहना है कि आप कुछ मत पढ़िए बड़े बड़े उपनिषद, केवल मांडुक उपनिषद का बोध ही मुमुक्षुओं मोक्ष की इच्छा रखने वालों को पर्याप्त है। शेष उपनिषदों का अध्ययन करके इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं बचती है। आखिर क्या है मांडुक उपनिषद में ऐसा वर्ण विषय, इस प्रश्न का समुचित बोधगम उत्तर है कि इसमें निहित ओंकार की बारीक व्याख्या। ये पहली उपनिषद है जिसमें अन्य कुछ नहीं होकर केवल ओंकार की व्याख्या है। उपनिषद के प्रथम मंत्र में ओम नाम की है, पहले शुरू ही होता है ओम नाम की, अपार महिमा का गान हुआ है। कैसे हुआ है? ओमित्येत अक्षरम विदम सर्वभूतस्योपाख्यानम भूत भवद भविष्यदिति सर्वम ओंकार। क्या है ओम? इसने कहा ये एक अक्षर नहीं है, इस एक अक्षर में सारे भूतों का आख्यान समाया हुआ है। भूत में क्या हुआ वो समाया हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है वो समाया हुआ है, और भविष्य में क्या होगा, ये एक अक्षर। और तो क्या है ये? बोले अविनाशी पूर्ण ब्रह्म है। वो जो अविनाशी जिसको हम आपके ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, एक प्रत्यक्ष जगत है, एक हमारी धारणा है कि वो अविनाशी ब्रह्म है, उसका स्वरूप। ये दृश्यमान जो जगत है संपूर्ण, उसका एक ही उपाख्यान यही है। मूल का भी वही जनक है, भूत का भी वही जनक है, और भविष्य का भी।
जो कुछ है वो त्रिकाल अतीत है, कालों में समय वही है, त्रिकाल से अतीत है और वही है। ऐसे परब्रह्म के समग्र रूप में प्रतिपादन के लिए उसको ओम की कल्पना की गई है, और उस ओम में ए ऊ मैं ये तीन तो प्रत्यक्ष रूप हैं जिसको सब लोग ओम के रूप में आते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि ओम में तीन नहीं चार अक्षर है, चार पादों या तीन मात्राओं के साथ जो मात्रा रहित वो चौथा क्या है, उसमें मात्रा नहीं है, वो मात्रा रहित है, वो है अव्यक्त है। ये तीनों ए ऊ में व्यक्त स्वरूप है, वो मात्रा रहित चौथा अंक चारों पादों की। इस प्रकार ब्रह्म के तीन प्रत्यक्ष और एक परोक्ष स्वरूप का बोध इस उपनिषद में कराया गया। पर ब्रह्म का ऐसा विलक्षण और अद्भुत संरचना संकल्प कहीं आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसी प्रकार चैतन्य जो जीव है उसकी विचार अवस्था का बोध कराया गया। जागृतो वही प्रज्ञा, जब आदमी जागृत होता है तो उसकी बड़ी प्रज्ञा होती है। सप्तांग होते हैं, एकोन विंशति मुख्य होते हैं, स्थूल मुख वैश्वान होता है, ये उसका प्रथम पाद है। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अनेक उपनिषदों में तीनों अवस्थाओं को सामान्य व्यक्ति के लिए तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जीव का भ्रमण सारा होता है वो तीन ही अवस्था होती है। जब आप इसको चिंतन करेगा तो जागृत होता है या तो या सुषुप्ति में होता है या स्वप्न अवस्था होता है। ये चैतन्य की चार और एक अव्यवहार दशा है, एक दशा और रहती है, इन तीनों के अलावा अव्यवहार जो व्यवहार में नहीं होती जिसको हम आत्मा कहते हैं वो उसके। जब चेतना अंदर से बाहर आती है तो शरीर की जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था कहते हैं जीव में ब्रह्म की चेतना आ गई, ब्रह्म की चैतन्य जो है वो जीव में आ गया है, इसलिए जागृत अवस्था। दोनों का परस्पर संबंध बताते हुए कहते हैं कि जीव का ही चेतना में और ब्रह्म की चेतना में प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है, केवल सामान्य व्यक्ति को दिखती नहीं। जब जीव में चेतना नजर आती है हमको तो ये मान के चलना चाहिए कि वो ब्रह्मी की चेतना जागृत होती है, वो ब्रह्मी की चेतना नहीं है तो वो कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके जीव का। जीवात्मा के जागृत स्थान पर बैठते ही क्या होता है बोले, बोलो होता ये है कि आँख कान वाणी फेफड़े हृदय और पांव सातों अंग एकदम से विकसित हो जाते हैं, अपनी क्रिया रूप में आ जाते हैं, काम कर, ये उसका जागृत अवस्था का प्रभाव। और उतना ही नहीं, उसके चारों ओर का जो परिवेश है, अग्नि सूर्य चंद्र दिशाएं वेद वायु विश्व, ये सब भी उन सातों अंगों में आकर विराज जाते हैं। कैसे, अग्नि मूर्धा, अग्नि मूर्धा जाती है बुद्धि, चक्षुषी सूर्य चंद्र दिशा स्रोत्रे दिशाएं समझता है, वाग्विताश्य वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमश्य पदभ्याम पृथ्वी ऐसे सर्वभूतरांगा। इस प्रकार सर्वभूतर आत्मा जो है वो आपके जागृत अवस्था में आते ही, मैं समझता हूँ कितनी भी उपनिषद आप पढ़ लीजिए किसी में इस प्रकार की संकल्पना कि जागृत अवस्था में ब्रह्म कैसे हमारे यहाँ आता है, ये इसी एक 14 मंत्र अंक होता है। आगे चल के फिर इसका और विस्तार करते हुए कहते हैं कि इन सप्तांगों का कार्य भोग काम क्या, एक का क्या करते हैं आकर के, और इनका काम है भोग करना, जिसके 19 साधन हैं भोग के, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये तो भी कुल 15, ये बाह्य कारण है, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4
ये दृश्यमान नहीं है, ये आंतरिक कारण है। इस प्रकार 19 जो है कारण उनसे और मुख जिससे जीवात्मा संसार के सभी पदार्थों का गतिविधियों का भोग करता है और वो भोक्तात्मा का आधिपत्य ग्रहण करता है। वैश्वानर तेजस प्राज्ञ ये चार प्रकार की अभिज्ञा पता नहीं होता है। जब कभी आपकी कोई सामान्य व्यवस्था के आदमी होती है क्या शब्दों का पाजाल है सर, तो जब आदमी को उधर में लगती तो पहला एक ही वक्त कहता है भाई मुझे जल्दी भोजन दो मेरी पेट में आग लग रही है। वो और खुशी कहता है मैं भूखा हूँ मेरे पेट में आग जल रही है। तो वो ये अग्नि ये सब आपके है। उन अग्नियों को शमन होता है जब भोजन करने से शमन होता है, आपके चिंतन से शमन होता है। तो शमन जो रूप है उसको नाम है शिव रूप। आपका किया पदार्थ भोजन किया अग्निशमन हो गया तो वो कल्याण शिव रूप। इस प्रकार का एक रूपक इसमें उन्होंने बताया है। ओंकार का ये विशेष स्वरूप बताया। जागृत में अवस्था में सबसे पहला प्रथम पाद है वैश्वानर। वैश्वानर ए फिर ओ नाम का जो ब्रह्मस्थान है उसको तेजस नाम का द्वितीय, फिर ओंकार की तीसरी मात्रा का शुद्ध स्थान प्राग्ञ है और अंत में मात्रा की जो मात्र है वो ओंकार का सर्व प्रपंचों का उपशमन करने वाला है अर्थात पूर्ण ब्रह्म का जो पाद है वो चतुर्थ पाद है। इस प्रकार सर्वथा दार्शनिक चिंतन, आप इसको चिंतन को दार्शनिक ही कहेंगे हम, चिंतन द्वारा इस उपनिषद में केवल नाम और नाम ही दो रूप हो गए, एक नाम है एक उनका नामी रूप है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता को परिलक्षित किया गया है। वरन इतना ही नहीं वरन स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों सगुण स्वरूपों का उस निर्विशेष चतुर स्वरूप के साथ तादात्म्य बिठा करके पूर्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया गया। जैसा कि उपनिषद के अंतिम मंत्र को हम देखें तो इसको स्पष्ट हो जाएगा। अमात्र चतुर्थो व्यवहार, अमात्र चतुर्थो व्यवहार प्रपंचोक्षम है, बिना मात्रा वाला जो चौथा रूप है वो समस्त प्रपंचों का उपशमन करने वाला है। एतद्यो एवं ओंकार अप्रत्यय संविद जय वेद ऐसे वेद। इस प्रकार जो तीन मात्राओं को प्रत्यक्ष को और एक अमात्रा को चतुर्थ को जिसने जान लिया, यह क्या कहा, यह ए वेदम यह जिसने इसको इस वेद में विद जान लिया, जिसने इस स्वरूप को समझ लिया है और उसने ओंकार के पूरे स्वरूप को समझ लिया है, इतना पुण्य। ये शिव रूप है। तभी कहा कि उपशम भगवान पहला शिव हमारे यहाँ शास्त्र चर्चा होती है कि ये ओम के तीन रूप में भी क्या है, तो ये अक्सर लोग चिंतन करते हैं, दार्शनिक भी कहते हैं विद्वान लोग ने कि तीसरा जो मैं है वो शिव रूप है। तो उनका नहीं, शिव रूप तो चौथा है जो सबसे मुक्ति दे करके उसमें अपने आप में समेट लेता है। वहाँ जाकर तो ओंकार का शिव रूप है और वही इसका महारूप है। उसके बाद जीवात्मा का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मांडू के विषद आकार में छोटी होती हुई भी बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण उपनिषद में 14 गद्यात्मक वाक्य हैं, है ना। इसमें प्रयुक्त भाषा लौकिक संस्कृत शब्द, अच्छा एक विशेषता और है कि वैदिक संस्कृत का इसमें कम से कम प्रयोग हुआ है। जितने शब्दों का चयन किया गया है और लौकिक संस्कृत जो बाद में संस्कृत रूप है उसमें से ऐसा उससे ये प्रमाणित होता है कि ये उपनिषद पूर्व उपनिषदों को अध्ययन करके इनके सार रूप में उत्तरवर्ती रूप में प्रकट की गई है और उन जिज्ञासियों के लिए एक अत्यधिक अनुकूल है जो संक्षिप्त रूप में
ओंकार का बोध करते हुए पर ब्रह्म का स्वरूप जानने की इच्छा रखते हैं और कामना करते हैं। ओम।